अजमेर पुलिस ने अजमेर में हार्डकोर से संजय मीणा और एक राजनीतिज्ञ व व्यापारी की हत्या की वारदात करने अजमेर पहुंचे। भरतपुर के शार्प शूटर को घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 7 पिस्टल और 82 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड का बदला लेने के लिए वरुण चौधरी ने अपने भतीजे अमन को अजमेर की कुंदन नगर इलाके में किराए के मकान में रखा। इस मामले की सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में गहनता से पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए अजमेर SP चूनाराम जाट ने बताया कि अजमेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुंदन नगर क्षेत्र में कुछ बदमाश किराए के मकान में ठहरे हुए हैं। यह सभी पूर्व विधायक और स्वर्ण व्यापारी और अलवर गेट थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर संजय मीणा को मौत के घाट उतारने पहुंचे थे। इस मामले की सूचना पर पुलिस ने कुंदन नगर स्थित किराए के मकान के साथ ही अन्य स्थानों पर दबिश देते हुए घेराबंदी की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह चारों आरोपी भरतपुर निवासी वरुण चौधरी का भतीजा अमन, उसके साथ विजय, सौरभ और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास 7 पिस्टल और 7 मैगजीन के साथ 82 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि संजय मीणा ने धर्मेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतारा था, जिसका बदला लेने के लिए यह योजना वरुण चौधरी और आकाश सोनी ने बनाई थी। अजमेर में संजय मीणा को मौत के घाट उतारने के साथ ही एक व्यापारी और एक राजनीतिज्ञ को भी हत्या करने के लिए इन चारों को अजमेर भेजा था। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर अलवर गेट थाना पुलिस पूछताछ पर जुटी है। इस मामले में किराए पर मकान देने वाले अनिल दिवाकर के साथ ही वरुण चौधरी को लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। कल शाम के समय हमें जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि कुंदन नगर इलाके के अंदर कुछ बदमाश हैं, वो ठहरे हुए हैं और जो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, एक राजनीतिज्ञ और एक अलवर गेट थाना इलाके का जो HS है संजय मीणा, उसकी रेकी कर रहे हैं और उनकी हत्या करने की फिराक में। इस सूचना के आधार पर हमने सिटी की जो सभी SHO हैं और CO साहिबान हैं और ADC SP हैं और पुलिस लाइन का जाब्ता और साइबर और स्पेशल के जाब्ते को लेकर के कुंदन नगर इलाके की पूरी चारों तरफ से नाकेबंदी की गई और उसके बाद में हमने डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद में हमने रात को 4 लोगों को डिटेन किया है। जो उनमें से 2 हैं वो कुमेर थाना इलाके के रहने वाले हैं भरतपुर के और 2 व्यक्ति जो हैं वो उद्योग नगर थाना भरतपुर के रहने वाले हैं, जिनके नाम हैं कपिल है और विजय है, जो कुमेर थाना इलाके के रहने वाले हैं, और सौरभ और अभिषेक जो हैं वो उद्योग नगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये संजय मीणा और एक जो व्यापारी हैं और एक जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी हत्या करने के फिराक में थे, और जो आकाश सोनी हैं जिसको अजमेर पुलिस ने अभी हैदराबाद से अरेस्ट किया था और उसने अपनी सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ में फोटो अपलोड की थी और फेसबुक पे एक धमकी भरा मैसेज है वो अपलोड किया था उससे कि उसने हमें बताया है और हमने इन तीनों की रेकी की है, और एक अमन दिवाकर जो है जो इनका है, जिसने इनको यहाँ पे मकान दिलवाया और ये आकाश सोनी और इनके बीच में था। आकाश सोनी का ये था कि ये यहाँ से इनको मकान दिलवाने के बाद में और इनको रेकी करवा कर ये यहाँ से हैदराबाद चला गया था, ताकि जब यहाँ घटना कारित हो तो उसकी लोकेशन है वो यहाँ पे नहीं हो और वो कानून के शिकंजे से बच सके। लेकिन मैं पूरी अजमेर पुलिस को धन्यवाद देता हूँ और कि उन्होंने जो जिस तरीके से नाकाबंदी करके और जो इनपुट मिला उसको डेवलप करके और इन 4 बदमाशों को है वो अरेस्ट किया है, और आकाश सोनी से भी पूछताछ की जा रही है कि इस वारदात के अंदर और कौन कौन शामिल है। अभी ये इनमें से एक है वो वरुण चौधरी है, उसका भतीजा भी है, और हम जल्दी ही वरुण चौधरी को भी गिरफ्त में ले लेंगे। इनके कब्जे से 7 है वो हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास में 14 मैगजीन थी और लगभग 82 जो कार्टिज है वो बरामद हुए हैं। ये शहर के अंदर बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में थे और अजमेर पुलिस की सजगता से और हमारे मुखबिर तंत्र की वजह से ये घटना को अंजाम नहीं दे सके। संजय मीणा के अलावा एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिनका हम अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और एक राजनीतिज्ञ हैं जिनको ये निशाना बनाने वाले थे। सर ये सारा षड्यंत्र चौधरी ने रच के भेजा था या वरुण चौधरी ने?
इसके अंदर जो अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर वरुण चौधरी और आकाश सोनी दोनों की पूरी संलिप्तता है और ये इन्हीं के ही भेजे हुए गुर्गे हैं। वरुण चौधरी बिल्कुल वरुण चौधरी वांछित है और अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम है वो उसको दबोचने के करीबी थी, लेकिन 15 मिनट की वजह से वो हमारे हाथ आने से रह गए। उसके ऊपर इनाम भी घोषित है।